बिसमीम मीरास अनीस मैं आपका तहे दिल से बबनून हूँ कि आपने मीर अनीस अल्लाह मकाम के नाम से अंजुमन सजाई है और उस नाम की कशिश आपको यहाँ ले आई आज कल इंसानियत जिस बहरान का शिकार है उसे अपने जस्दीजा नफस के लिए एक साहिबान दरकार है और यह साहिबान हमें कलाम अनीस मुहैया करता है राय है मरसिया जिन मुक़दस हस्तियों के बारे में है उन तक हमारी रसाई नहीं लेकिन उनसे जो कदरें वाबस्ता हैं हमें आज उनकी ज़रूरत है अनीस ने वाक़ करबला को तारीख़ की किताबों से निकाल करके हमारे ज़मीर तक पहुँचा दिया है हमारे शूर में उतार दिया है मीर अनीस महज मलकूती सतह पर मरसिया नहीं कहते थे इंसानी सतह को भी मलहूज रखते थे चुनाचे ये बैत इस अमर का साफ साफ इधहार कर रही है चाहते हैं आप खल़ की हाजत रवाई को आई है करबला से अजल पेशवाई को देख खल़ को ही हाजत रवाई की ज़रूरत होती है बस आप देखें कि हमारी हिस्से इंसानियत कलाम अनीस से हाँ मंग रही है या नहीं है चंद साल पेशर इसी ज़मीन में आपको प्रोफेसर नज़ीर उद्दीकीी मरहूम का ये मतला सुना चुका हूँ नई दुनिया को आँखों में नमी अच्छी नहीं लगती नई दुनिया को आँखों में नमी अच्छी नहीं लगती मुझे एहसास की इतनी कमी अच्छी नहीं लगती मीर अनीस ने अठारह का गज़र भी देखा एक रुबाई में उस उजड़ी हुई सल्तनत के फिर आबाद होने की दुआ भी की असल बात यह है कि उन्होंने अपने मरसी जब शाह को मोहलत न मिली तोहफे हरम की मैं जहाँ गद्दारी कोफा का मंजर पेश किया है वहीं उन्होंने बतौर अहम लखनऊ का भी नक्शा खींच दिया है वो कहता था कोफे में अजब गदर है मौला हर समे कज़े सासाद उठते हैं हर जा दौर उनका है कुछ जुन को मुरब्बत नहीं असला होते हैं स्तम कोई किसी की नहीं सुनता जाल ये जुल्म ये बेदाद नहीं और किसी पर मौला ये तबाही है मुहब्बान अली पर घर गिरते हैं बस्ती में ये बेदत है ये बेदाद वीरा हैं जो सौ घर तो कहीं एक है आबाद फिरते हैं मकानों के मकी मुस्तर नाशाद हाकिम है वो मकरूर के सुनता नहीं फरियाद कूचे भी उजड़ जाने से बेरब्त हुए हैं जो भागे थे सब उनके मका जब्त हुए हैं लखनऊ की नज़ाकत मशहूर है मगर कोई बात तो थी लखनऊ का मुहासरा अंग्रेजों के लिए डरावना खाब बन गया और हजरत महल की क्यादत में अंजाम से पर बेपरवा शिदात का मुजाहरा हुआ मरसिया लखनऊ में परवान चढ़ा और यही वो सिंफे सुखन है जिस जहां तलवार पर तलवार चमकती नजर आती है कूफे से काफिल हिजाज गया दमिश की जानेब आज आलमी जंग दमिश के गिर लड़ी जा रही है और चारों जानब इंसानी हकूक़ की पामाली है इंसान पहले हकूक़ तिफला है फिर हकूक़ नस्वा है और यह तस्वुर इसमें शामिल है कि जंग में भी हकूक़ इंसान का पास रहता है लश्कर हुर महासरा करता है दुश्मन है मगर प्यासा है जो हम रिकाब हैं इमाम के जो हम रिकाब हैं वो ख़दशे का इज़हार करते हैं इमाम हुसैन आसमाम जानते हैं कि ख़दशा बेजा नहीं लेकिन वह हरभी नहीं इखलाकी फैसला करते हैं फरमाया मेरे सर की कसम कुछ न कहो अब मेरी यही मर्जी है कि सैराब हो ये सब इंसान का इंसान से रवा होता है मतलब मर जाए मुसलम ग्वारा है मुझे कब मैं मालिक कौसर हूँ तो तुरतु तुम्हें क्या है प्यास इनकी बुझा दो मेरे बच्चों का खुदा है कन आने मोहम्मद के हसीनों का सफर है आखिरी हिस्से पे फिर नजर मेरे बच्चों का खुदा है मीर अनीस संगीनी को किस बलागत से उभार लाए हैं अब जो मंजर है वो हजली असर की शहादत का मंजर है ये बताता चलू कि अबू मेखनब ने पूरी कोशिश की थी कि कातिल का नाम नुमा न हो क्यों वो इस मुसाफिर के तबसे में मुलाज़ा कर लें जो मीनिस ने पेश किया फिर देख के वो लाश असगर को पुकारा वो सबने लड़े होंगे जो तो तूने उन्हें मारा एक बच्चे का किस तरह हुआ कत्ल गवारा? क्या होएगा हाल उसका ये जिस माँ का है प्यारा जिस वक्त से के ये दुनिया से सफर कर गया होगा जीता रहा होगा कि पिदर मर गया होगा जब फौज ख़ता जब फौज खुदा कत्ल हुई राह खुदा में यहाँ मे नीस ख़ानदान रसालत के तकदस को दरमियान में नहीं ला रहे इंसानी असलाहों में बात कर रहे हैं रहे हकूक़ नस्बा तो उन्हें दरबार में तलबी के मंजर में देखें जो मीर मीरिनीस ने पेश किया माजरा सुनते ही ये गैज़ में आया बेदी शिमर से कहने लगा चीं बजबी हो के लाई, यू तो नामू से हुसैन इब्न अली आते नहीं जा इन्हें रस्सियों से बांध के ला मेरे करी मैं तो सुनता हूँ बहुत बेकसो मजबूर हैं वो कोई बारिश अभी जीता है कि मकरूर हैं वो कूफे में हरम हजरत शब्बी आए मैंने आपको बहुत जहमत दी बस इन व दीवार से रख्सत होते हुए सुखन गाइये तबरख ले जाएं कि है ज़ेबरे उरू से सुखन जतन की मल है जल बगर जो हज़रत अब्बास का आलम है जल बगर जो हज़रत अब्बास का आलम शौकत वही है रोब वही है वही हशम मश्क सकीना देख के लगते हैं तिर गम है हाथ ऐसे शेर के बाजू हुए कलम हर दम रहे न क्यों दिल जहरा भरा हुआ हर दम रहे न क्यों दिल जहरा भरा हुआ है है आज तक लहू से फरे रहा भरा हुआ